اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والالم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين متلوبه والمتلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمه للعالمين راحه العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالقين مصباح المكربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصن جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم असल नाजरीन प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है नाजर कराम हज़रत अनीस मोहम्मद बरकत अली की तालीफ इसमा नबील करीम वसल्लम से एक इसम मुबारक पढ़ने की शहादत हासिल कर रहा हूँ सैद सैद नाअलमुशफ़ल वसम हमारे सरदार शफकत फरमाने वाले दरुदो सलाम भेजें अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आले पाक और आपके सहाबा के नाम परत में है कि एक मरतबा हजूर अक्रम वसल्लम अपने सहाबा के हमरा एक सफ़र में थे कि अचानक एक परिंदा आकर आप अलैहि वसल्लम के सरे अकदस के ऊपर पड़ पड़ाने लगा गोया वो आप सल्हल्म से किसी बात की शिकायत कर रहा था आप अलैहि ने फरमाया इस परिंदे को किसने तकलीफ़ पहुँचाई है एक सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूल अलैहि वसल्लम मैंने इसके अंडे उठाए हैं नबी करीम वसल्लम ने फ़रमाया इस पर रहम करो और इसके अंडे वापस कर दो नाजरीन कराम आज हमारा मौजू है सूरा अलफील इसकी शान नज़ूर इसके तफसीली निकात और अबाबील अल्लाह ताला की मखलूक़ात में से एक हैरत अंगेज़ परिंदा है नाज़ी कराम अबाबिलों से हाथी मरे ये वाक़ा तारीख़ में मौजूद है हमारा यकीन है हमारा ईमान है रब तला जब चाहे वो च्यूटियों से काम ले सकते हैं वो चिड़ियों से काम ले सकते हैं वो परिंदों से काम ले सकते हैं वो जो चाहे मालिक कदीर है लोग इस बात को नहीं समझते स्वीडन यूनिवर्सिटी में एक तहकीक हुई हाल ही में जिसमें उन्होंने हैरान कन उसके नतज बयान किए हैं वो कहते हैं कि ये जो अबिल परिंदा है ये दस माह तक मुसलसल प्रवास कर सकता है और ये बिल्कुल थकता नहीं है और अजीब बात है ये फ़िज़ा में ही अपनी नींद भी पूरी कर लेता है और फ़िज़ा से ही कीड़े मकोड़े खाकर अपनी खुराक भी पूरी कर लेता है और यह किसी परिंदे की दस्तरस में भी नहीं आता ये इतना बुलंद परवाज है कि कहते हैं कि चाँद तक जाने में अगर सात मरतबा इसकी परवाज की बुलंदी को सात मरतबा बढ़ा दिया जाए तो आदमी चाँद तक पहुँच सकता है लाई साहब ये अल्लाह ताला की कुदरत है वो जिससे चाहे जो काम ले ले एक बरस बेश मुझे जो मेरे दोस्त हैं उन सब को मालूम है कि मुझे कोई मार का दरपेश था जिसकी मैं तफसीत अर्ज नहीं कर रहा तो मुझे पंजाब के एक सबक गवर्नर ने कहा ना आपके पास दौलत ना आपके पास कोई पीछे ऐसी कु्वत और ताकत तो ये मार का कैसे सर होगा मैंने कहा वही कुदरत वही अल्लाह मेरी मदद को आएगा अल्लाह के रसूल सल्लम मेरी मदद को आएंगे जिस तरह अबाबिलों से हाथी मरे थे जिस तरह जनाब इब्राहिम पर आग गुलजार हुई थी जिस तरह असद अंसी की जलाई आग में अबू मुस्लिम खौलानी रज़ी अल्लाह तनों पर फूल बन गई थी वो आग और मतदद वाग फिर और सैदला मूसम के वाक़ बयान किए तो मुझे गवर्नर साहब कहते हैं कि जनाब ये वाज जाके मस्जिद में किया करें इनका हकीक़त से कोई ताल्लुक़ नहीं ग्राउंड रियलिटीज़ ये नहीं होती जो आप बातें कर रहे हैं ना देख रहा फिर अल्लाह ने मार्क का सर किया और वह गवर्नर साहब मेरे पास नदामत के साथ आए उन्होंने कहा आप बिल्कुल दुरुस्त कहते थे अल्लाह जब चाहे जिस तरह चाहे आपको मालूम है कि सै इब्राहिम पे आग गुलजार बनी है ये बात इस आसमान की आंखों ने देखी है उकबा बिन नाफ़े जाते हैं और अपनी एक जो है छौनी बयान कायम करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला की हुजूर दुआ करते हैं या अल्लाह हम तेरे महबूब अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं यहाँ छौनी कायम करना चाहते हैं लोग कहते हैं कि यहाँ दरिंदे बहुत हैं बस खड़े हुए दुआ के बाद कहा ए जंगल के दरिंदो यहाँ से निकल जाओ हमने यहाँ पे छवनी कायम करनी हम रसुल्ला वसलम के ग़ुलाम है किताबों में लिखा है तारीख में कि भेड़िए अपने बच्चों को उठाए हुए शेर अपने बच्चों को उठाए हुए सांप अपने बच्चों को उठाए तमाम हजरातुल्ज दौड़े थे और कहे थे रसुल्ल्ला के गुलाम आगे भागो यहां रसुल्ला के गुलाम आगे भागो यहां, से। आगे भागो यहां से। जब पानी का एक कतरा मयसर नहीं सहरा में फौज बनने लगी थी फिर उन्होंने दुआ की याला पानी ख़त्म हो गया तेरे महबूब के गुलाम है उनके घोड़े ने नेकबा बिन नाफ़िर रजील्ल्ल के घोड़े ने अपने पाओं का सुम मारा मीठे पानी के चश्मे जारी हो गए लाजमी कराम हजरत सफ़ीना रजील्ला जब शेर हमला आबर हुआ था तो कहा तुम जानते नहीं मैं रसूल्ला का गुलाम हूँ शेर अपने सिधाए हुए कुत्ते की तरह दुम हलाते हुए उनके आगे आगे चल पड़ा था लालमी कराम उसने हनाना को ज़ुबान मिली थी अल्लाह के महबूब सल वल्ल में जब काफ़रों पे रेत फेंकी थी वमा रमायता इज रमायता अल्लाह ने कहा ये आपने थोड़ा फेंकी है तो हमने फेंकी है अल्लाह का हाथ जो है बंदा मोमन का हाथ वो अल्लाह का हाथ बन जाता है फिर नाजरीन कराम ये बातें आज भी होती हैं हमारा ताल्लुक रब तला से हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक में कुछ कमज़ोरियाँ पैदा कर ली हैं अगर हम फिर अपने अकायद को दुरुस्त कर लें अपनी निजतों को दुरुस्त कर लें अपने ईमान को मजबूत कर लें तो काबिल अजमेरी जो कहा था ना कि फ़िज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी मैं क्या क्या जिक्र करूँ कि दस दस हज़ार जो था उन्होंने डेढ़ डेढ़ लाख को बुरी तरह शिकस्त दी थी करम आज भी आपको मालूम है हमारी फौज भी जब लड़ती है जाके हिंदुस्तान को हमारा एक और दस का फ़र्क है तकरीबन इसके बावजूद अल्लाह ताला हमारे फौजियों को ताकत कुव्वत देता है और हम जिस तरह बहादुरी से उसका मुकाबला हर जगह पर करते हैं अगर ईमान की कुव्वत ना हो अगर नारा रिसालत ना हो अगर नारा हैदरी ना हो तो ये कुव्वत पैदा नहीं हो सकती नाजरीन क़राम ये कुव्वत यह अबाबील मैंने पिछले बरस भी कहा था चंद माह पहले भी कहा था कि मैं फ़िज़ा में अबा देख रहा हूँ मेरे दोस्तों ने देखा चौबीस घंटे नहीं गुजरे थे तो अभी अबा के कंकर गिरे थे इन शी अबाबिल फिज़ा में देख रहा हूँ जो लोग रसूल सल्ला वसलम की शान अकदस में गुस्ताखी कर रहे हैं अबाबिल आएंगे इन शह मेरा ईमान यकीन और अकीदा है आज मेरे साथ शरीक है गुफ्तु हैं मुनर अहमद यूसफी उनके साथ पक्के ठक्के सूफी मैं भूल नहीं गया मार चूके बहुत शदीद सारी रात भी मेरी तबीयत ठीक नहीं इसलिए यादाश पे असर हो रहा है और उनके साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद नवीद अज़र नौजवान स्कॉलर बहुत पढ़ी लिखी शख्सियत और उनके साथ नौजवान स्कॉलर लामा मोहम्मद अम्बरकती कई किताबों दर्जनों किताबों के आप मुसलो तीनों हजरात से आज हम गुफु करेंगे जी अलामा साहब आप सूर्य का तारुफ शान नजूल और इसके अंदर बड़े मज़ाम हैं जी बिस्मिल्लर नज़ूल के अतबार से उन्नीस नंबर इसका है इसमें तेईस का लिमात है और पचानवे छियानवे इसके हरूफ है अल्लाह तबारक व की के पाक ने इजहार नबू सरकार कायना सल वसलम के फ़ोन बाद इसको नाजर फ़रमाया और इसमें आपकी अज़मत का इजहार किया है कि अलम तारा कैफ फ रबो का फारब साबिर फिर, फिर फरमाया ए, ये अल्लाह ताली की ज़ा पाक ने हजूर सल वम को एड्रेस किस फ़रमाया जी और इसमें फाल रबो का फरमाया फाल अल्लाह ने फरमाया <laughs> आपसे नस्बत करके बात फरमाई है कि के आपके रब ने ने कहा सा बता दिया कि मैं आपका रब हूँ और दुनिया भी वही उसी की तोहद कबूल है जो रब मोहम्मद मानती है वाँ वाँ। और अमोन मोमी सदा शदीका रजिया कसम फरमाया करती थी रब मोहम्मद की कसम मुझदानी भी यही कहते थे दुआ मांगो तो कहो ए मोहम्मद रबल तो कुरान वाक पे ही जगह इसका जिक्र आता है अल्लाह ताला की ज़ा पाक ने इसमें हमारे आका मौल वसम की आतशी फावरी और इजहार नबूत से कबल जो वाक़ हुए हैं उसमें अजमत का इजहार फरमाया कि आपकी पैदाइश से कबल पचास दिन पहले और इजहार नबूत से चालीस साल कबल अल्लाह पाक ने दुनिया को दिखा दिया कि खाना कहबा की हिफाजत जो है करने वाले आगे हैं और जो घराने वाले हैं इन से से पहले अब अबीलों से उनका खात्मा करेंगे और अल्लाह की शान जनाब इमाम फख्र राजी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तै ने बुद्ध प्रस्तों को बर्दाश्त किया है लेकिन घराने वालों को बर्दाश्त नहीं फरमाया क्यों इसलिए कि जो बुद्ध प्रस्त थे वह तज़ीम करते थे खाना कहे की तवाह भी करते थे उस जात की खिदमत भी करते थे लेकिन वो इस खान कहे का दुश्मन था इसी अल्लाह ताला की उसको मिटाने के लिए अल्लाह ताला की तदात पर ऐसा किया है और जिस ने दुश्मनी सरकारी काना से, से फरमाई है की है जैसे वरीद मुगीरा है अखनस है उसको ज़िल्लत की मौत मारा अब अब भी भी ज़िल्लत की मौत मरेगी और मरते रहेंगे जो नबी सल की गुस्ताखिल बेदबी करते हैं डॉक्टर डॉीद अजर ये अब्रहा कौन था क्या हाथ था किस लिए आया जी अब्रहा जी शाह हबशा की तरफ से यमन का हाक मुकर था और उसने बादशाह को खुश करने के लिए एक बहुत बड़ा कलीसा बना दिया और सोचा कि जो लोग हर में पाक में मक्का में खाना क़बा का तवाफ़ करने जाते हैं उनको मैं खींच लाऊं और वो यहाँ मेरी इमारत की आकर ज्यारत करें और यहाँ इबादत किया करें तो वो इमारत जो थी कलीसा जो था उसने खाले सोने का बनाया और हीरे जवाहरत उस सजाए लेकिन अल्लाह ताली को उसकी ये अदा पसंद आई मकामी लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा ना हो सकी एक शख्स जिसको मुजावर बनाया गया था उसके लिसा का उसी ने रात को उसमें पखाना कर दिया बोलो बराज कर दिया और सुबह फरार हो गया और कुछ लोगों को पता चला तो उसने उन्होंने वहाँ आग जला दी उससे उस इमारत को बड़ा नुकसान पहुँचा तो इस पर अब्रहा जो था उसको शदीद गुस्सा आया और उसने साठ सत्तर हज़ार की फ़ौज तैयार की तेरह हाथी अपने साथ लिए और काबतल को गिरने नीयत से और नुकसान पहुंचाने की नीयत से वो मक्का की तरफ आजिम सफर हुआ तारीख में दो बादशाह ऐसे मिलते हैं जिन्होंने काबत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और अल्लाह ताला ने उन पर गिरफ्त की पहला बादशाह तुब्बा था तुब्बा हिमजरी तुब्बा जब फतूहत मुल्की कर रहा था तो लाखों की फौज उसके साथ थी जिधर भी जाता लोग उसके सामने सरे तस्लीम खम करते लेकिन जब वो हदूद मक् में दाखिल हुआ <coughs> किसी शख्स ने भी उसका कोई एहतराम ना किया और नोटिस ना लिया कि बहुत बड़ा बादशाह एक लश्कर जर्रार के साथ हमारे शहर में दाखिल हो रहा है <coughs> तो उसने अपने वजीरों व मशीरों से पूछा जो बड़े बड़े ऊलामा थे हुकाम थे और दाना लोग उसके साथ थे वो इल्म दोस्त बादशाह था उसने पूछा कि ये लोग मेरी तज़ीम क्यों नहीं करते मुझे क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं हालांकि मेरे पास इतना बड़ा लश्कर है तो उन्होंने कहा कि एक तो ये अनपढ़ लोग हैं बद्दू हैं और दूसरी वजह यह है कि इनके पास एक खाना काबा है उस पर इनको बड़ा भरोसा है तो लिहाजा ये आपको कुछ भी नहीं समझते तो उसने कहा कि मैं खाना काबा को नुकसान पहुँचाऊँगा उसको मैं गिरा दूँगा इनको मैं ग़ुलाम बना लूँगा इनकी औरतों को मैं लौन्दियाँ बना लूँगा तो जूँ ही उसके दिल में ये ख्याल आया अभी उसने किसी से बात नहीं की दिल में ख्याल था तो उसके सर में शदीद नोयत का दर्द पैदा हो गया और सारे जिसम से पीप और खून बहने लग गया ये एक ऐसी बीमारी थी कि उसके लश्कर में मौजूद कोई भी तबीब इसकी तश्स ना कर सका वो बड़ा परेशान रहा बड़े मशवरे किए अपने दोस्तों से एक दिन एक रईसल तमामा का जो सरदार था वो उसके पास आया और कहा कि तनहाई में कुछ बात करना चाहता हूँ आप मुझे ये बताएं कि इस मक् में जो इज्जत वाला एक घर है उसके बारे में कोई बुरा ख्याल तो आपके दिल में नहीं आया हाय 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 हाँ। उसने कहा कि हाँ वाकई ये बात है मेरे दिल में यह ख्याल है कि मैं उसको गिरा दूंगा फरमाया कि आपकी सारी बीमारी उसी वजह से है आप उससे तोबा कर लें आपकी तकलीफ रफा हो जाएगी तो तब्बा ने दिल ही दिल में तोबा की और अल्लाह ताला की बारगाह में माफी मांगी तो उसका वो दर्द जो था और जो तकलीफ सी फौरन रफ़ा हो गई वही है जिसने मदीना मुनवरा में के जिससे बिल्कुल हजूर की विलादत से एक हज़ार साल पहले वो हुआ है और फिर उसने सबसे पहले खाना क़ाबा के लिए सात गिलाफ़ तैयार किए और वो पहला आदमी था जिसने खाना क़ाबा पर गिलाफ़ चढ़ाए साहब कार रहा है अजल से तामरूज चराग मुस्तफ़ी से शरा बुल्हाबी ये हकोबातल का मार्का चलता है शायद चलता रहेगा जी सैद अब्दुलमतलब की उससे जो अबरा से गुफ्तु हुई वह क्या थी बिसमिल्लर हज़रत सैद्दुलतलब रदी अल्लाह की जो अब्राह के साथ गुफ्तू थी पहले उसको बता दिया गया कि यह शख्सियत मामूली नहीं है पूरा अरब इनका अहतराम करता है और ये खाना क़बा के मुतवली हैं तो चूँकि आपके दो सौ ऊंट वो पकड़ कर ले गए और दो सौ ऊंट मिल्कियत तो हजरत सैद्दुलतलब रदी अल्लाह ते थे लेकिन उनके तमाम जो मुनाफा थे खरीदो फरोख्त में या उनका जो दूध होता था वो सारे का सारा आपने जायरीन के लिए वक्फ किया हुआ था जितने लोग भी बैतुल्ला शरीफ की जियारत के लिए आते रहते थे तो उन सब के लिए आपने उसको वक्फ किया हुआ था ये तो 200 ऊंट एक हिस्सा था ना ऊंटों का और भी तो होंगे ना बहुत बेशुमार ऊंट थे 200 सौ थे और इतने तो ये जो बात है कि नबी करीम नाउजिल्ला नाउजिल्ला गरीब गरीब थे यतीम थे और वो सारी दाइयाँ छोड़ गई ये बिल्कुल गलत बात मशहूर है बिल्कुल गलत है और इसके अंदर किसी किस्म की कोई हकीकत मौजूद नहीं है तो अब ये अरबों का चूँकि तरीका था कि वो हज के अयाम बदलते रहते थे कभी ज़िकात में हज करते कभी जुलहज जु जु में और कभी मुहर्रम में और इस साल जो जब ये वाक़ हो रहा था तो वो हज मुहर्रम में कर रहे थे तो काफ़ी कसिर तादाद में लोग आए हुए थे और सारे के सारे अपनी उसी हालत में थे जिसमें आदमी अहराम की हालत कह लें या इबादत की नीयत से तो ये उनके ऊँट पकड़ कर ले गए तो फिर जब आप वहाँ जाने लगे तो वहाँ पर उनको तारफ़ करवाया गया अब्राहा को कि ये वो शख्सियत हैं जो यहाँ के मुतवली और पूरा अरब इनको इंतहाई एहतराम की नज़र से देखता है तो लिहाजा इनके साथ सरदारों वाले पॉइंट पर जाके बात की जाए तो जब आप उधर गए उसने जहन में सोचा हुआ था भाई यार जब सारा अरब इनकी इज्जत करता तो मैं भी इनको आनर दूँगा तो वैसे वो चाहता था कि जहाँ बैठा हुआ था वहाँ साइड पर बिठाए लेकिन ये मेरे मुस्तफ़ा करें सल असल्लम के नूर मुबारक की बरकत थी जैसे ही आप वहां पर तशरीफ लेकर गए तो वो फौरी तौर पर आपके इस्तकबाल के लिए खुद ही खड़ा हो गया और फिर जहां बैठा हुआ था वहां आपको साथ बैठाया गुफ्तू की और गुफ्तगु करते करते फिर वो कहने लगा जी आप किस लिए आए हैं तो उसका मकसद था कि ये मुझे कहेंगे कि मैं तुझे तेरे पास इसलिए आया हूं कि हूँ पे हमला ना करो ये ना करो वो कर... दरखास्त तो दे, दे, दो आपने दरखास्त बिल्कुल नहीं की और इसके अंदर एक बहुत बड़ी वजह थी हुँ। कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम और किसी गैर के आगे रिक्वेस्ट करते फिर तो ये तो गैरत खुदा को भी गवारा नहीं था और खुद आपको भी बर्दाश्त नहीं था कि मैं इसके आगे रिक्वेस्ट करूँ आपने तो इतनी बात कही ये मेरे दो सौ ऊंटें जाती और मैं चाहता हूं कि इनको छोड़ दो छोड़ दोगे तो ठीक है नहीं छोड़ते तो पकड़ के तो तुम ले ही आए हो जैसे ही आपने ये बात कही तो वो उसके चेहरे की रंगत बदल गई कहने लगा मेरे दिल में जितनी इज्जत थी वो अब आपकी नहीं रही पर मैं क्यों वो कहने लगा इसलिए कि मैं ये समझा था कि आप मुझे कहोगे हमारा बैतुल्ला है मतलब ये कि कहीं लोग आपने इस क्यों नहीं रिक्वेस्ट की खुदा ना आजा लोग ये ना समझें कि इनका कारोबार सारा बैतुल्ला की वजह से लोग चढ़ावे देते हैं नजराने देते हैं उसी के साथ इनका काम चलता है वो गिर जाएगा तो अब ये मेरे आगे आके मिन्नतें करेंगे हाथ फैलाएंगे पर मैं नहीं नहीं हम काबा के चंदे पे नहीं पलने वाले काबे की कमाई से शराब पीने वाले नहीं बल्कि हम तो वो हैं जो अपना रिजक आने वाले के लिए वक्फ किए हुए हैं तो फिर आपने वहां पर जो है वो कहा मेरे ऊंट वापस कर दो अब इस पे अभी किबला लामा साहब पहले फरमा रहे थे तो अल्लाह ताला ने जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया अलम ये सारी की सारी सूरत बर रहा अल्लाह तब हजूर सल्लम के साथ मुखातिब करके बात की है। है। किसी और को मुखातिब नहीं किया अब एक मौका ऐसा आया जो हजूर सल्ला किसी मामले में अपनी उम्मत के हवाले से परेशान हुए तो अल्लाह तला ने फौरी तौर पर वहां आपको वही फरमायी हजरत जबरील अमीन आसलाम ने अर्ज किया फरमा रहा है कि आप इस वक्त परेशान हैं लीमा यदी को कल बोका आपका दिल क्यों आप परेशान ना हो अलस तीन मबूसन क्या वो वक्त याद नहीं कि जब आपको अभी मबूस भी नहीं किया गया था उस वक्त अल्लाह फरमाता महबूब हमने आपकी अबाबील परिंदो के जरिए मदद फरमाई थी अब ये लफ्ज जो है वो फरमा रहा है नसर सर तो का महबूब किसी और की नहीं ये तो आपकी मदद की हुई है वाँ वाँ। तो अब वो अलम तरा कई क्या आपने नहीं देखा इस्तीफा इनकारी वो इसके अंदर उसका पूरा मजहर हो रहा है कि ये जो भी अबाबिल हुआ है यह किसी मक्के के और रहने वाले के लिए नहीं हुआ किसी बिल्डिंग को बजहिर बचाने के लिए नहीं हुआ बल्कि ये तो हजूर सल्लम की जात की अल्लाह ने खुद मदद फरमाई अच्छा फिर उन्होंने क्या फरमाया हजरत अब्दुल ने ने तो हजरत अब्दुल जब वहां पर बात पहुंची तो आपने फरमाया कि तू क्या समझता कि मैं उसके बचाने के लिए आया हूं जिसका मालिक मैं हूं उसके बचाने की बात मैं करूंगा और बैतुल्ला का जो मालिक है इसको बचाने की बात वही करेगा और ये उसम की उम्मत में तब से रायज हो गया कि जो भी वक्फ ला चीज का कोई मालिक नहीं होता वक्फ वक्फ चीज का मालिक हमेशा खुद रब्बे कायनात होता है तो ये आपने उस वक्त अब जो लोग कहते हैं हजूर के अजदाद के बारे में इससे बढ़ के हजरत अब्दुल मुतलिब रजी का खुदा की जात जो यकीन और किस तरह बड़ा हो सकता है मुवाहिद होना इस कदर मुवाहिद होना बल्कि हम नमाज़ पढ़ते हैं नमाज़ के अंदर हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदीन वाला आली मुहम्मदीन तो आली मोहम्मद हज़रत सल्ली की आगे नस्ल है फिर हम आगे कहते हैं कमां सल्लेहित अला इब्राहीमा वाला

अब जब जैसे वाक़ तोसीसी बयान हो रहा है उसने कहा कि मैं तो बेतुल्ला शरीफ को गिराने के लिए आया हूँ तो आपने फरमाया कि जिसका घर है इसकी हिफाजत करेगा और फिर आप खाना कावा में आए और खाना को दरवाजे कुंडी पकड़ कर अल्लाह से गुजार इसकी मौला करेंगे तेरे घर के लिए आए हैं और तू खुद मुहाफ़िज है तू नहीं बचाना है इसको और ये फरमा कि फिर आप सारे लोगों को ले कर पहाड़ी पर चले गए थे और तमाम मकाशिफ खाली कर दिया था और जब पहाड़ी पर गए तो फिर एकदम अंधेरा छा गया वो क्या देखते हैं कि झुंड के झुंड गौल के गोल परिंदों के आ रहे हैं ये जो लफ्ज अबाबील है या बालतून से है इसका मान होता है कि जुड़ना ऐसे वो परिंदे जो कुछ जुड़े हुए थे इसलिए उनको अबाबील कहा गया थी? हाँ जी वैसे तफसीर में आता है कि वो कबूतों से छोटा परिंदा था और सब्ज रंग का था बाजने का सुरख रंग का था चौंचे उनकी सुरख थी लंबी गर्दें थी और उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक सारा काम किया था और इतनी अल्लाह पाक ने उनको नेमत फरमाई थी हर काफिर को जानते थे और जो तीन पत्थर उनके एक चौंच में दो पंजे में थे है जी वो वाटर बम थे है जी तो उन पर नाम लिखे हुए थे और वो परिंदे जो थे कमाल उनका इल्म था इतने झुरमट में जो साठ सत्तर हजार का लश्कर था उसमें पहचान के मारते थे ये इसके फलाने को भी डालना है अब गौर फरमाए मेरे प्यारे दोस्त बुजुर्ग भाई तो परिंदे जो है जो बैतुल्ला शरीफ की हिफाजत के लिए वहाँ पहुंचे हुए हैं है जी और अल्लाह उनको इसी काम के लिए भेजा है वो तो हर काफिर को जानते हैं जब कल क्यामत का दिन होगा खरपो खरप इंसान होंगे हमारे आका करीम सर हर अपनी उम्मति को पहचान लेंगे ये मेरा उम्मी है ये मेरा उम्मती है और अल्लाह ताला के नबी सर ने ये भी फरमाया कि कल क्यामत के दिन मेरी उम्मति की तीन खूबियाँ होंगी एक तो उनके अज़ायब वजू नूर की तरह चमकते होंगे दूसरे उनके नामे वाल दाया में होंगे और उन्हें कमाल बात फरमाई कि उनके छोटे छोड़ छोटे बच्चे उनके गिरद घूमते होंगे अच्छा अब इतने लश्कर में वो छोटे बच्चे भी देखने हैं और उनको भी देखना है ये इल्म मुस्तफ़ा का फैज़ था जो अल्लाह पाक ने परिंदों को भी दिया देखे ना वो भी तो हदीस में है कि जिस तरह भेड़ें बहुत ज्यादा होती हैं आपस में मिक्सअप हो जाती है शाम के वक्त जो छावत है वो पहचानता है कि ये भेड़ें मेरी हैं जी इस तरह फरमाया कि जिस तरह घोड़े हों बहुत ज्यादा तो गालबन वो जो पंच कलियानी होता है जी जी उसकी अपनी एक शान होती है उसको पहचानता है कि नहीं मालिक तो अपनी उम्मत को नबी वसल्लम इस तरह आप इस... तो हर उम्मत ही को जानते हैं इसी तरह हजरत स्वद की भी ये शान है जो लोग तो आफि खाना कर रहे हैं और इसको बोसा देते हैं इस्लाम करते हैं कल क्यामत के दिन इसको दाखें देगा ज़ुबान देगा और यह गवाही देगा कि इस फलाने जाने वाले मुझे ईमान से चुमा था इसे ईमान से नहीं चुमा था वाह पत्थर को भी दिया है। और परिंदों को दिया है। मुझे ब्रेक ले, ले है लिया साहब नाजीरा मुखल सी ब्रेक और टॉपिक आप देख रहे हैं कितना दिलचस्प है और इससे आदमी का ईमान और मजबूत होता है ये बातें सुन के ये बातें हुई थी ये किसी इंसान या किसी मर्रकी हुई नहीं है ये अल्लाह तुद बयान फरमाई है और अल्लाह तुम सदकों का खालिक है कि उसने बातें फरमायी हैं सिर्फ हमारे ईमान की अगर मजबूती हो जाए तो ये वाकयात ये इमदाद आज भी हर लम्हा नाजिल हो सकती है शर्त एक ही है कि मोहम्मद से वफा तू ने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज है क्या लहू कलम तेरे हैं हमारे साथ रहिए वेलकम बैक नाजरीन के नाम डॉक्टर तो नवीद अजहर लोग कहते हैं कि जी ये अबा कैसे इतना छोटा सा परिंदा था कबूतर से भी छोटा वो ये कैसे कर सकता है लगता है कि ऊपर से कोई जो है केमिकल की कोई उच्च कोई चीज़ गिरी है कोई बारूद गिरा है और ये हो गया है मैं कहता हूँ बेल ये अकली जो इस तरह की मुशगाफियाँ करते हैं अरस्तु दौरे हाजिर के तो वो भी आसमान से गिरा ना अगर बारूद भी गिराया है तो मालिक इस पर कादर है अगर बारूद गिरा सकता है तो परिंदों से काम नहीं ले सकता मोटी सी बात है कि एक पत्थर अगर रास्ते में पड़ा हुआ है तो जब तक उसको हिलाने वाला नहीं होगा वो क्यामत तक हरकत नहीं करेगा नहीं। अगर एक पत्थर ख़ुद ब खुद बखुद हरकत नहीं करता तो इतनी बड़ी कायनात और इतने बड़े बड़े वाकयात ख़ुद ब खुद बखुद कैसे रूनुमा हो जाते हैं यकीनी तौर पर इनका भी कोई फ़ाइल है फील में अल्लाह ताला ने यह बताया है कि जो आदमी अल्लाह ताला के सामने सरकशी करता है अल्लाह ताला के साथ एलान जंग करता है अल्लाह ताला के साथ बगावत करता है फ़ाइनली वो तबाह व बर्बाद हो जाता है असल में मकसूद अबा नहीं थे ना कंकर मकसूद थे इसीलिए अल्लाह ताला ने उनकी वजाहत नहीं की कि अबा कौन सी मखलूक थी और कंकर एटम बम था या मिसाइल था या रिवालवर की या गोली थी क्या था यह बताना मकसूद है कि अल्लाह ताला की कुदरत का इजहार हुआ उन्होंने अल्लाह ताला के साथ एलान जंग किया तो अल्लाह ताला चाहे तो एक छोटे से परिंदे से बहुत बड़ा काम ले सकता है जब इंसान अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला परिंदों को ले आएगा और परिंदे उसके दीन की और उसके शायर की हिफाजत करेंगे दूसरा ये बताया कि उसकी कुदरत कुदरतलब है और जहाँ चाहे जिस तरह चाहे जिस मखलूक से चाहे वो काम ले सकता है और अपने दीन को गालिब कर सकता है जब <स्था> अब्रहा के साथ हजरत अब्दुल अब्दुलमतलब की तो आप ऊँट लेकर वापस आ गए तो फिर कुरैश मक्का को जमा किया और काबातुल्ला के दरवाजे के पास जाकर दरवाज़े का जो कुंडा था उसको मजबूती से हाथ में पकड़ लिया और अल्लाह ताला की तरफ मुतवजे हुए और अपने दो मशहूर शेर पढ़े अच्छा मशहूर हैं फरमाया के ला हम इन अब फम ना तगल बन्ना सलीब हम ला यगल बन्ना सलीब हम वाल मेहालिक मालिक कायनत हर आदमी अपने कजावे की हिफाजत करता है तू भी अपने हरम की हिफाजत कर हम कमजोर हैं हम साठ सत्तर हज़ार फ़ौज का मुकाबला नहीं कर सकते और रास्ते में जो दो तीन सरदारों ने मुख्तलिफ कबाइल को जमा करके इसका मुकाबला किया उनको भी शिकस्त हो गई और इस शख्स ने उनको गिरफ़्तार कर लिया हमारे पास ना तो जदीद इसलह है ना हाथी हैं ना कोई और ऐसी चीज़ है तो तू इसकी हिफाजत कर फरमाया ला यागलेबन ना सलीब हम इनकी सलीब गिब ना आ जाए व महाल हम अदव महालिक और इनकी तदबीर तेरी तदबीर पर गालिब ना आ जाए जब ये गुफ्तगु उनकी अल्लाह ताला से हुई और लहा जारी कर चुके तो फिर क्रैश मक्का से कहा कि तुम पहाड़ियों पे चढ़ जाओ इनकी जंग अल्लाह ताला से है इनका अंजाम देखो वो कोशिश करते रहे बहुत बड़ा हाथी था हाथीकाबले तारीफ महमूद उसका नाम था अरबी में मतलब तारीफर कौ, है उसको ले लें उनको जी अलैक्म अस्सलाम भाई फरमाए गाजी साहब राना मुजाहिद बात कर रहा हूँ जी जी राना साहब जनाब आपका प्रोग्राम देखते हैं जो सारा दिन लजत हमें रहती है जो एक और मतलब निकलता है वो ये है की आपने नहीं देखा हाँ देखे भी जरा थोड़े से बरकती ने बताया है कि अल्लाह तला ने मुखातिब किया तो इसका मतलब है हजूर देख रहे थे ना नूर नबूवत उस वक्त जनाब अब्दुल मुतलिब की पेशानी मुबारक में था और ये नूर मुलाजा कर रहा था सारे वाकत ये अगले कॉलर दे रहा अमेकुम कराची से जी भाई आफ्ताब सवाल फरमा मैंने इससे पहले भी एक दफा ये शेयर किया था और एक सवाल भी पूछना है की यारफ सजा में एक अबाबील भी नहीं यार में एक अबाबील भी नहीं फील अब काबा में खे मजन हाँ। अच्छा सवाल यह है कि जो वादी मैसर है उसके बारे में क्या हुक् जी के बारे में फरमा दे जी ये जो है ना जी अभी तक जिस जगह पे ये वाक हुआ है वहाँ पे अभी भी एक ऐसी चट्टान मौजूद है जिसको अगर गायर देखेंगे तो वो पूरी की पूरी हाथी की शेप में मौजूद है अच्छा और इस, वो मैं उधर हाजिरी का जब मौका मिला था तो मैंने उसकी तस्वीरें भी ली थी तो इसमें जो मुकाम गौर है जो फ़ा में अबाबिल नजर नहीं आ रहे अबाबिल पहले दिखाई नहीं देते वो तो पता तब चलता जब सर पे आ जाते हैं मुझे वैसे नजर आते तो आल्ला को तो नजर आते हैं अभी बस वक्त नहीं आया जब अल्लाह का हुक्म होगा आएंगे जरूर इंशाल्लाह और इन्शाला। वो नूर खुदा है कुफर की हरकत पे खंदा खन फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा ये तो मेरे रब्बे कायनात का अपना तरीका है वो चाहे तो अब से काम ले और आप देखें कभी फिरौनियों को मेंढकों के जरिए तातारियों ने जब एक पादरी ने नबी करीम सजी शाह ने पाक में गुस्तागी थी शिकारी कुत्ता कितना होता है इतना सा उसे उसके टुकड़े-टुकड़े कर, तुकड़े तुकड़े कर तो से ही नहीं जरूरी के काम बिल्कुल बिल से मुराद यह है कि अल्लाह ताला जिस मखलूक से छोटा समझा जाए रब्बे का इनाद उससे भी बड़े बड़े काम लेता है और अब, है। अब आप इसमें यह तो फरमाए कि जब ये सारा मामला हो रहा है बातें दो हैं हमें कहा गया वह आईदुल जो आपको ताकत है उसके मुका उसको पूरा अपने लाओ और उसके लिए हर वक्त स्टैंड रहो और अगर कुछ भी नहीं रहा और ये रबनाज जानता कि वाकई अब इनके पास कोई वसायल नहीं रहे फिर वो अपना फैसला खुद करता है और उसको नाफिज करता है अभी हजरत वहां पर यह अर्ज किया कि या अभी रहे थे कि ये अपने कजावे की हिफाजत फरमा तो अब आप जंगे बदर को भी तो देखे ना वहां हजूर सल्लम ने कैसे इशान महबूबियत से अर्ज किया था या आज ये पर मूब हो गया कयामत तक दुनिया में कोई भी तेरा नाम लेने वाला बाकी नहीं आए, रहेगा हाए, हाए। वहां पे उस वक्त कैफियत हजरत अब्दुल मुतलिब रजील के दौर में थी कि वसाइल कुछ भी नहीं थे दिवा के लिए कुछ भी नहीं था तो फिर उन्होंने डायरेक्ट अपना तमाम मामला अल्लाह के हजूर पेश कर दिया अब हजूर सल्लम वसाइल भी लेकर आए हैं और शान महबूबी भी दिखा रहे हैं वहां भी अल्लाह ने मदद की उन परिंदों के जरिए और यहां मदद की फरिश्तों के जरिए तो इसलिए हमें इस बारे में तो जरूर कोशिश करनी चाहिए जो हमारे पास वसायल हैं सारा काम अल्लाह पे नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि जो काम अल्लाह ने हम पे छोड़े हमें वो करने चाहिए हाँ। और जहाँ पे हमारी ताकत खत्म हो जाएगी वहां पर वो रब है अपना काम उसने खुद करना है ये तो हम उसके बंदे हैं और उसकी बंदगी में सारे वो जो है। आ, हजूर ने फ़माया की एक बस्ती थी और जबरील अमीन को हुक्म हुआ कि इस बस्ती को जा उलट दो तो उन्होंने अर्ज़ किया अल्लाह यहाँ तो नेक बंदे भी रहते हैं आप उनकी परवाह भी ना करो इसलिए कि जब बुराई होते देख रहे थे तो उन्होंने किया क्या है उन्होंने रोकने की कोशिश की इसलिए मैं बार बार जो जोर जो देता हूँ ना नामो रसालत के मामले पर मैं कहता हूँ खुदा न खास्ता खुदा ना खास्ता अगर भी इन भी लोगों, भी लोगों भी को खुली छुट्टी दे दी गई रसूल की शान पाक में गुस्ताखियां करने की तो इस ममलगत पे अजाब आ जाएगा और इसमें भी नेक भी, 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 भी फिर साथ बह जाएंगे बिल्कुल इसलिए हमें अपना फरीसा जो है हर लम्हे अदा करना है और हमारा वजूद बाकी रसूल सलम से है हम तो है ही नहीं अगर हजूर की नामूस नहीं है उसकी हिफाजत नहीं है तो हम है ही नहीं हम फिर जानवरों से बदतर हैं हम तो कुत्तों और किसी और मखलूक से भी बदतर हो गए जो रसूल असम की नामोस की हिफाजत न कर सके जी और इसमें आप मैं अर्ज़ तो खिदमत करना चाहता हूँ आप ही की बात को आगे लेके किताबल्फितर में नोयम बिन महम्म रजील उन्होंने ये हदीस पाक बयान की इमाम बुखारी के मुतकदमी में से आए ये इन्होंने बयान किया कि अभी जब याजूज माजूद आएंगे दुनिया में उस वक्त वह दुनिया को अपना निवाला बनाएंगे दुनिया का सारा निज़ाम तयला करेंगे हजरत सैन सलाम होंगे ये अपने अकीदत मंदान को अपने मानने वालों को लेकर तूर पहाड़ पर चले जाएंगे और जब वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ अपने आप को बचाएंगे फिर ये कहेंगे अब वसाइल ख़त्म हो गए वही बात जो अबाबील के मामले में हजरत अब्दुल मुतलब रजी अर्ज़ कर रहे हैं वही हज़रत सैनासी अर्ज़ करेंगे या अब वसाइल कुछ नहीं रहे दुआ करेंगे चंद लोग बीस के करीब लोग उनके साथ जो है वो रोएंगे गिड़गिड़ाई करेंगे उस वक्त फिर अल्लाह करीम अबाबीलों को भेजेगा दोबारा फिर अब अभी लाएंगे और पूरी याजूज माजूज कौम को तबाह करेंगे और नेस्तो नाबूद कर देंगे वो अल्लाह का अपना निज़ाम है जो वो जिस तरह चाहेगा वो चलाएगा जो हमारे जिम्मे वो हमें करवा शौर में जी जी मकड़ी आ जाती है जी जी जाला तन देती है जी जी कबूतर आती कबूतरी आती अंडे दे देती है ये अकल वालों को समझ नहीं आती जो अकल, बड़े, अकल वाले तो होते, बनते हैं। अकल वाले होते तो अल्लाह को मान लेते क्योंकि अकल तक करती है अल्लाह को एक मानने का जब अकल नहीं रहती तो, तो, तो अल्लाह नहीं मानते ना मानने वाले अकल से फारग है वो अल्लाह कुदरत इनकार करते हैं अब देखे अल्लाह ती शान देखे की जब वादी में वो आके उसे पड़ाव किया बड़े गुरूर और तकबर से बैठा हुआ कि मैं अभी जाता हूँ और नौजिला किया। वैसे इकतदार जो होता है ना अलावा साहब ये गरूर और किबर पैदा करता है आदमी अल्लाह को भूल जाता है जब इकतदार में आता है जब मुसीबत में होते हैं तो मैंने देखा है फिर जाके रोज़ा रसूल पर रोते हैं फिर जाके काबतल्ला में दुआएं मांगते हैं जब वो वक्त गुजर जाता है अल्लाह भी भूल गया रसूल्ला भी भूल गया ये सिर्फ दुनियादारों की बातें अल्लाह वाले तो शाह उनको कितना मर्ज़ी इकतदार में तोु में रहते हैं वो नूरुद्दीन जंगी होता है जी हाँ सुल्तान महमूदी अच्छा, अब जब वो हाथी जो थे तेरह हाथी बारह और थे एक बड़ा महमूद हाथी था तो उसके कान में नफ़ीद बिन हबीब ने कहा कि तू बैठ जा यहाँ अब देखिए अल्लाह की शान के अल्लाह बंदों से कैसे काम ले रहा है जी कि बंदे से कहा कि तू इसको को बैठ जा और जैसे सरकार सल से उठी मुबारक ममूर मिनल्ला हो गई ये भी मामूर हो गया अच्छा अब उसको बड़ा मारते उसको लारते आँखों में मारते बड़ा कुछ करते सर तो में सुए मारे मारे, बड़ा कुछ मारा लेकिन उठता नहीं था जब उसको भाग पकड़ा शुरू कर दिया इधर उधर भागते लेकिन खाने का भी कितना नहीं जाता था और ये हाथी बच भी गया था अच्छा बाकी सारे खत्म हो गए थे इसने खाने का भी एहतराम किया अगर हाथी खाने का भी एहतराम किया तो वो बच जाता है जो इंसान एहतराम करे उसकी ईशान कितना होगी और ये सारे एहतराम जितने भी है ये सारे नबी सलोसन की तफैल से है क्योंकि आपके आने से जो बरक़ात और खैरत मिली हैं पहले किसी को आसन नहीं थी अब देखे ना कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैदा नहीं हुए थे और आपके दादाजी ने नज़र मानी कि मेरे दस बेटे हों तो एक अल्लाह के नाम मैं कुर्बान करूँगा तो बाद में जब कुर्बानी के लिए आर्डर आएगा तो कुर्रे जब डाले थे हजतःल्ला का नाम निकला और वो सबसे हसीन व जमील था और उनकी पिशाइन नूर मुबारक चमक रहा था तो हुक्म के मुताबिक नीयत के मचले तो लोगों ने कहा अब्दुल अब्दुलमतलिफ आप क्या कर रहे हैं अगर आज आपने ये काम कर लिया तो हारिक को अपने बच्चे कुर्बान करने पड़ेंगे इसको कोई रास्ता तलाश करते हैं तो उस वक्त ये दसूर था कि दियत जो थी वो दस ऊँट होती थी तो लोगों ने कहा कि कैसे करें एक पर्ची में अब्दुल्ला का नाम लिखे रज़िया लाख का और एक दस विखे कहने कहा फिर हजरत अब्दुल्ला का नाम लिखा फिर क्या करें फिर उठा बढ़ाते चले जाना बढ़ाते यहाँ तक सौ उंट हो गए और दुनिया को रब दिखा दिया कि वो जो मेरे माबू आने वाले हैं हम उनके बाप पर भी इतने उनको कर्बान करें उनकी शान देखना कितनी होगी तो आपके आने से कबल अल्लाह पाक ने दुनिया को दिखाया है कि जो मेरे माबू आने वाले उनकी शान कैसी है कि उनके आने से कबल अगर मेरे घर को तोड़ने वाले गिराने वाले आ जाएंगे तो उनको ख़त्म करने वाले अब अबील भी आएंगे और अब अब अबील वो आएंगे कि जिनके ज़रिए दुनिया में अल्लाह ताली की कुदरत का इजहार होगा अल्लाह तला परिंदों से काम लेता है और अल्लाह ताली हर चीज़ से काम लेता है अल्लाह ताली ने तीन चीज़ों की हिफाजत का ज़िम्मा लिया हुआ है अपनी किताब कुरान हकीीम का काबतल्ला का और आपने महबूब वसल्लम की नामूस और इज़्ज़त का और ये इन शाह तैयाम तक जो जो इस पर हमला आवर या बुरी नीयत रखता है अल्लाह उनको बर्बाद करता रहेगा तरीक़ा उसके मुख्तलिफ़ है कभी वो मामूली मुलाजम से बर्बाद कर देगा बड़े हाकिम को कभी वो किसी परिंदे से कभी वो किसी कुत्ते से काम ले सकता है वो हाथी से भी काम ले सकता है वो चिड़िया से भी काम ले सकता है तारीख ये बता रही है <coughs> आदम से लेकर हमारे करीब माँक सलाम के आने तक अल्लाह पाक ने अपने दुश्मन को तो माफ़ किया है अपने को माफ नहीं किया। अच्छा जिस तो तो पर बात तो किसान इस पर बात करेंगे मैं आज का सवाल पूछ लूँ नाज़मा इकर आज का सवाल और जो हजरात सही जवाब देते हैं उनको हम किसान आयल की जानब से उनकी खिदमत में गिफ्ट पेश करते आज का सवाल है अब्रहा के हाथी का क्या नाम था और गुजा सवाल का जवाब यह है जो हमने पूछा था आपसे कुरानो हदीस की रोशनी में इल्ज़ाम तराशी की सज़ा अस्सी कोड़े है दुरुस्त जवाब देने वाले खुश नसीब हजरात मोहम्मद यूसुफ कुरैशी हैदराबाद मोहम्मद तारिक नारोवाल इश्तियाक अहमद साहब लाहौर मनवर हसैन फैसलाबाद अक्सा किरण साहिबा टोबा टेक सिंह अब्दुलगफ़ूर शेखुपुरा जहीरुद्दीन कराची चौधरी मोहम्मद तारिक इस्लामाबाद मोहम्मद नवीद मुल्तान मलिक आशुक हुसैन भक्कर जी डॉक्टर नवीद अजहर साहब इन्होंने कहा कि तीन चीज़ों के अल्लाह ने फाज का ज़िम्मा लिया है और फिर अल्लाह भेजता है सूरत तो फील के असरार में से सबसे बड़ा सिर ये है कि यह सूरत नामोस रसालत का पहरा देती है अच्छा जी हाँ जी काबातुल्ला की हफाजत सिर्फ़ इसलिए थी कि वह रसूल सल्ला वम का मरकज़ ईमान था और काबतुल्ला की हिफाज़त और ये अहब फ़ील का वाक़ हजूर की बेसत के मोजात में से था जैसे कि हजरत अब्दुलमलब ने ख़्वाब देखा कि यहाँ आब जमज़म का चश्मा है चश्मा तो हज़रत इसमाई अम की एडियो से जारी हुआ, था। जारी हुआ था लेकिन वो सदियों तक पोशीदा रहा बंद रहा वो बंद रहा छुप गया तो हजूर की विलादत से पहले हजरत अब्दुल अब्दुलमलब ने ख़्वाब देखा सुबह जाकर खुदाई की तो चश्मा बरामद हो गया ये हजूर की बेसत के मोज़ात में से था इसी तरह हजूर सल्ला विलादत से पचास दिन पहले वो आए सबलफ़ी और अभी मक्का में भी दाखिल नहीं हुए तो उनके हाथी जो थे वो बैठ गए और और किसी तरफ चलाते थे तो चलते थे जब काबतुल्ला की तरफ रुख करते थे मक्के की तरफ रुख करते थे तो उठते ही नहीं थे चलते ही नहीं थे हाँ। फिर वो तो अब ने जो कंकर ऊपर से फेंके वो इतने तेज थे कि वायरस फैल गया अच्छा और जिसम गल सड़कर झड़ने लग गए स्किन प्रॉब्लम हो गई और बदबू फैल गई वो जिसम के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते खाल के और वो झड़ती और ये खौत में से भी गुजर खौत को फाड़ कर सारे में से गुजर से गुजर गुजर फिर हाथी से गुजर का हाँ, पीठ के जरिए से बाहर निकल जाता और जिन हाथियों को लगा एक हाथी को लगा एट द स्पॉट डेथ हो गई जिन लोगों को नहीं लगा वो भाग गए उनमें चीचक और खसरा की वबा फैल गई वायरस की वजह से और अब रहा जो था ये वहां नहीं मरा ताकि इसका इब्रतनाक अंजाम दुनिया देखे ये फिर वहां से इसको ले गए यमन में जाकर ये मरा वो वो क्या वाक है कि एक अबाबील वाला क्या है एक अबा बिल जो थी ना एक हाथी को वो लगा हाँ। कुछ लोगों को वो पत्थर लगे और कंकड़ियां जो थी कुछ को नहीं लगी हाँ। तो ये सिज़ील का लफ्ज़ कुरान पाक ने जो इशाद फरमाया है हाँ। ये असल में फारसी से मोरब किया हुआ है यह है संगे गिल अच्छा यानी ऐसे पत्थर जो मिट्टी को पकाकर आग में पकाकर जिनको तैयार किया गया जैसे खिंगर होता है या जामा होता है उस नोत के ये पत्थर थे और उन्होंने अबरहा अब चलता रहा अच्छा और एक रिवायत में आता है कि अबरहा भागा नजाशी के पास कि उसको जाकर मैं बताऊं और ये भी आता है कि वो जो बड़ा हाथी था ना महमूद नामी ये वो नजाशी से लिया था अच्छा। शाहे हबशा से तो वहां जाकर उसको बताया कि हम तो तबाह बर्बाद हो गए हैं हमने काबतुल्ला को क्या गिराना था सारी फ़ौज जो है वो मर गई है इस तरह और वबा फैल गई है और इबरतनाक अंजाम हुआ है जब सारी दास्तान उसको सुना दी तो वो अबाबिर उसके सर पे परवाज़ करता हुआ वहां पहुंच चुका था उसने वो कंकर फेंका और वहां उसकी मौत हुई और जिसम उसका पहले ही उस वायरस की वजह से गल सड़ रहा था तो ये रसूल सल असल्म की बेसत के मोजा में से है अच्छा जी लामा साहब एक बात देखिए पाकिस्तान नबी करीमल वसलम के पाक का सदका है बेशक हजूर सल्लम की नामुस की हिफाजत की इस ममरकत के रहने वालों ने यहाँ के जो शहरी थे यहाँ के जो ाम थे आप के आपको खुशबू जाती थी मैंने देखा है जिस जिसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी साजिश की है ना कोई आदमी उसका भी अंजाम बहुत बुरा हुआ है पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का बहुत बड़ा मरक़ है और खसूसियत से जो तलीमो तरबियत पाकिस्तान में है इलमी तौर पर दूसरे ममालिक में उस कदर दीनी तालीम का अहतमाम नहीं होता आप इस बात पर गौर फरमाएँगे जब ये पाकिस्तान है तो कुछ लोगों ने बयान किया है और ये रिटर्न वर्क में मौजूद है चीज़ कि जब हजरत कैद आज मोहम्मद अली जना रतल इंग्लैंड में थे यहाँ से वापस चले गए थे तो वो रात का टाइम था वो मशहूर वाक़ जो उन्होंने रात की तारीखी में अपने कमरे में आहट महसूस की तो पूछा कौन है तो फिर जब बात ज़्यादा हुई तो फिर जब जैसे ही अर्ज़ किया कि आप कौन हो बताओ यहाँ कोई मौजूद है तो हजूर अलैहि असलम ने खुद जवाब फरमाया कि मैं तुम्हारा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा और तुम्हारी जिम्मेदारी के वापस जाओ और वापस जाकर मुल्क पाकिस्तान बनाने के लिए कोशिश करो जहाँ पे मेरे दीन का डंका बजेगा तो हजूर सल अल्लाह वम के हुक्म मुबारक पर हजरत काज मोहम्मद जना रतल यहाँ पर आए हैं और आके मेहनत की है अब जिनका इंतबाब बनाने वाले का इंत भी खुद हजूर वसलम फरमा रहे हैं और यहां भेज रहे हैं तो अब ये इस्लाम का मरकज और कला नहीं होगा तो और क्या होगा लिहाजा इसके खिलाफ जितनी साजिशें करने वाले हैं वो हमेशा नाकामो नामुराद रहे हैं और नाकामो नामुराद रहेंगे और जो दुनिया इस वक्त मौजूद है और नाइनटी टू को सुन रही है उन सबको ये बात जेहन में रखनी चाहिए कि ये पाकिस्तान अयाश लोगों का बनाया हुआ नहीं है ये बदमाश लोगों का बनाया हुआ नहीं है ये कायदेजम जैसी हस्तियां हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की हजरत सैद पी जमात अली शाह रहमत पीर मेर चौधरी नाम पाकिस्तान का दिया बेश मोल हसरत यहा जो कुर्बानियाँ दी जो जेलें काटी जो मुशक्तें पीर साहब जकोड़ी पीर साहब बरचुंडी शरीफ और पीर साहब सियाल और नाम लेते जाए उससे शखुल कुरान लामा अब्दुल्ला हजरत वाला ये थी पाकिस्तान का मतलब क्या ला कायदे यादम ने तो साफ अल्फाज में कह दिया ना हम इस्लाम की तजुर्बा गाह बनाना चाहते हैं इस मुल्क को और कहा कि कानून तो हमारे पास चौदह सौ साल पहले का बना बनाया है हमने कौन सा कानून बनाना है हमने तो इम्प्लीमेंटेशन करनी है और तारीख से बताती है कि जिसने भी दीन इलाही के ख़िलाफ़ कदम उठाया है वह भी तबाह बर्बाद हुआ है और उसके शायर के ख़िलाफ़ जिसने कोई बात किया हजा सराई की है वो भी इबरत का निशान बन गया है और कुरान पाक में आता है बदतरीन तकबर यह है कि इंसान अल्लाह और उसके रसूल के सामने तकबर करे बदतरीन तकबर है ओ, 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 और सूरत ये बताती है कि उनका अंजाम इब्रतनाक होता है सबसे पहले यह तकबर इब्बलीस ने किया था अल्लाह ताली ने फरमाया कि मेरे आदम को सईदा करो वो खड़ा रहा कहने लगा आना खैरुम मिन हो मैं नहीं करता मैं उसे बेहतर हूँ तो फरमाया कि तुम बेहतर कैसे हो कहने लगा ये बशर है अल्लाह तला को गुस्सा आ गया फरमाया तुझे बशरीत नज़र आती है

जो आपको ताना देता है और वो शख्स जो आपकी हिबत करता है और फिर आगे सूरत तो नाजिल कर दी फरमाया कि जो नामोस रिसालत पर हमला करेगा वो डायरेक्ट अल्लाह ताला की गिरफ्त में आ जाएगा क्योंकि ये इंसानों का मसला नहीं हमने तो सिर्फ तबलीग करनी है सुबह नूर प्रोग्राम का मकसद इस्लाम का निफाज नहीं है तबलीग करना है लोगों को आगाही देना है अच्छा रसूल के आशिक है उनमें से कोई ऐसा नहीं जो अदब से कोई गिरा हुआ लफ्ज़ भी आपकी बारकाय पाक में मुल्क है आ, ना कहे? ना। अच्छा आप हैरान हो गए कि मैं गया था परसों फैसलाबाद दो मंजर मैंने बड़े जबरदस्त देखे एक तो मैंने वहाँ चनेट इस्लामिया स्कूल और गर्ल्स कॉलेज देखा अच्छा जी जहाँ पे शहदा और यतीम बच्चों को पढ़ाया जाता है और हैरान कन बात यह है कि टीचरों को भी नहीं पता कि कौन सा बच्चा शहीदों का बच्चा है कौन सा यतीम है इसको कहाँ से फीस आ रही है कहाँ से किताबें आ रही हैं और प्रिंसिपल जो है वो तो कोई वली अल्लाह थी मैं देख दे दे के हैरान दे दे हुआ।, दे हुआ कहते है, सुबह वो सात बजे खड़ी हो जाती है और जो यतीम बच्चे आते हैं ना उनकी टाइया और शर्टें खुद दुरुस्त करती है मिस मैंने सो तुम तो दुनिया में चलती फिरती जन्नती दूसरा मंजर मुफ्ती हमारे फारूक कादरी ने किया हुआ था फिक्र फिक्रलिया कॉन्फ्रेंस हजारों लोग थे आप यकीन करें उनकी अकीदतों का मामला नौजवान इस तरह रो रहे थे हजूर सल के इश्क में जब मैं गुफ्तू कर रहा था मुझे अपने हाथ बचाने मुश्किल हो गए वो इस तरह अकीदत से दौड़ते थे तो नाइन टू के नाजरी करना चाहता हूँ सिर्फ उशाक ही नहीं देख रहे जो उशाक नहीं होती आशिक बन रहे आह सुहा यकीन जाने बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी आपकी शिफा से नुस्खे का नाजरीन कराम शुगर का रूहानी इलाज शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ अगर 40 दिन तक मुसलसल नमाजे शाह के बाद 313 सौ तेरह बार सूरा फील की तलावत करें इन श्ला इन मूजी बीमारी से शफा नसीब होगी शर्त यह शर्तिया आखिर ग्यारह गैर कोई तो भी दुर्ग पाक पड़े खलीफा चहारम सैद नली मतदा शेर ख़ुदा फरमाते हैं लोगों से इस तरह मेल जोल रखो कि अगर तुम दुनिया से चले जाओ तो तुम पर रोएं और जिंदा रहो तो तुम्हारे मुश्ताक हो का अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह पाकिस्तान को ध्यानदार हुक्मरान अता फ़रमाए और वो लोग जो रसूल रसुल्ला की नामोज के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं अल्लाह उनको बर्बाद फरमाए उनकी नस्लों को बर्बाद फरमाए और हमारे सामने उनका इबरत नाक अंजाम हो ताकि हम लोगों को दिखा सकें कि अल्लाह तो ने अपने हबीब पाक सल वसल् की हरमत के लिए पहले भी अबा भिल भेजे थे अब फिर अबा भिल भेज दे अल्लाह आपका हामियों नासिर हो हमारी गैर मशहूत मोहब्बत और लामहदूद वफादारी सिर्फ सिर्फ सरकारे मदीना पाकिस्तान से पाकिस्तान जिंदाबाद وسيدنا حسين وعلى اله وصحبه وبارك وسلم